हेलो स्टूडेंट्स, हम एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। बज चुके हैं दोपहर के एक, और ठीक दोपहर के एक बजे होती है आप लोगों की कंप्यूटर की क्लास। तो जल्दी से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए। बिल्कुल गुड आफ्टरनून जी, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। बिल्कुल गुड आफ्टरनून दिनेश बिश्नोई जी, बिल्कुल संतोष जी, सोनम गुज्जर जी, ओके जगत सिंह जी, अलका चौधरी, श्वेता, टीना नेहरा, शिवानी, अमेजिंग, अलका, मनोज, राहुल, पूनम, ओम प्रकाश। चलो तो शुरू करते हैं फिर यहां पर अपनी क्लास को। चलो तो शुरू करते फिर अपनी क्लास को। तैयार हो आप सभी लोग? भाई एक बार जल्दी से क्लास को लाइक करके शेयर कर देना जो बच्चे अभी अभी आए हुए हैं। बिल्कुल जय महाकाल जी, देवेंद्र जी और सचिन खन्ना जी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को, जो रहने वाली है शॉर्टकट कीज के बारे में। बहुत सारी शॉर्टकट कीज होती है। एमएस एक्सेल में अलग तरीके से काम करेगी, एमएस वर्ड में अलग तरीके से, एमएस पावर पॉइंट में अलग तरीके से। जो मेन होंगी, मैं वो सारी शॉर्टकट कीज आप लोगों को आज याद करवाने वाली हूँ। तो बी प्रिपेयर फॉर इट, पहले समझ लेना। मैं नोट करने के लिए आपको टाइम दूंगी, आराम से सारी शॉर्टकट कीज को फिर आप नोट कर सकते हो। ठीक है, चलो करें स्टार्ट। तो यहां पर शुरू करते हैं शॉर्टकट की। सबसे पहले मैं आपको यहां पर बताने वाली हूं कौन सी शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी फंक्शन की शॉर्टकट की के बारे में। सबसे पहले मैं आपको यहां पर फंक्शन की शॉर्टकट की के बारे में बताने जा रही हूं। तो जल्दी से मुझे बताओ, मुझे पता है आप में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता भी है, तो बिल्कुल फटाफट से यहां पर बताना है। ठीक है, क्या करना है? बिल्कुल फटाफट से यहां पर बताना है फंक्शन की टोटल कितनी शॉर्टकट कीज होती हैं। अगर मैं फंक्शन की बात करती हूं तो कुल मिलाकर 12 फंक्शन की होती हैं। टोटल 12 फंक्शन की होती हैं। कितनी होती हैं? 12 फंक्शन की होती हैं। क्लियर? अब 12 फंक्शन की में होता है F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7 और F8। सिमिलरली F9, F10, F11 और F12। 12 फंक्शन की होती हैं। बिल्कुल 12 होती है। 13 कौन बोल रहा है? कहां से 13 हो गई? हाँ चलिए, बिल्कुल अब बातें नहीं, वरना मैं नाम लेना शुरू कर दूंगी और आपकी बातें भी यहां पर बिल्कुल सोशली मैं यहां पर वायरल कर दूंगी, इसलिए बातें बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, चलिए तो यहां पर शुरू करते हैं कि आप अपनी फंक्शन की के बारे में जिसको पता है, जो पता है बिल्कुल बताना है जल्दी से। गुड आफ्टरनून, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। ब्लर नहीं आ रही है भाई, एक बार रिफ्रेश कर लेना स्क्रीन को, बिल्कुल करेक्ट दिख रहा है यहाँ पर। छोटी सी कहानी जो मैं बताती आ रही हूं आपको, आप में से बहुत बच्चे मेरे साथ 2-2.5 साल से जुड़े होंगे तो आपको पता भी होगा। फंक्शन की को याद करने की प्यारी सी ट्रिक क्या होती है? कहानी है, जिस कहानी को 3 भागों में मैंने डिवाइड कर रखा है। अब ये कहानी शुरू होती है एक मासूम से व्यक्ति से जो मदद की गुहार लगाता है, मेरी मदद कर दो। नहीं तो सबसे पहले एक व्यक्ति मदद के लिए, मतलब मदद मिलती है सबसे पहले उस व्यक्ति को, फिर जिसने मदद की होती है वो अपना नाम बदल लेता है। क्यों बदल लेता है? ताकि भाई सतयुग का जमाना था तो कलयुग में, घोर कलयुग में तो फोटो खींच खींच के भेजते नहीं भाई। बेशक आपने बाहर किसी व्यक्ति को 2 केले दिए और आप उसकी 200 जगह फोटो बनाकर भेज देते हो, है ना, बेचारा लेने वाला भी संकोच करता है कि मैं तो वायरल ही हो जाऊंगा कि मैंने कुछ ले लिया। तो वो सतयुग की कहानी बता रही हूं मैं। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले किसी व्यक्ति की हेल्प की जाती है, मदद की जाती है। उसके बाद जिस व्यक्ति ने मदद करी वो अपना नाम बदल लेता है। नाम बदलने के बाद जब मदद वाले व्यक्ति को होश आता है तो वो उसको ढूंढना शुरू कर देता है, सर्च करना शुरू कर देता है। इतने काम होते ही हैं, 3 काम होते के साथ ही दिन ढलता है, रात होती है और वो व्यक्ति अपने प्रोग्राम को बंद कर देता है। मतलब अपनी जो भी ऑपरेशन में काम कर रहा था वो बंद कर देता है, क्लोज कर देता है। फिर दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में वो व्यक्ति सबसे पहले रिफ्रेश होता है, कहता है आज तो मैं ढूंढ कर छोड़ूंगा। रिफ्रेश होने के बाद वो उसका एड्रेस बाहर निकालता है, पहले मुझे पता चले कि एड्रेस क्या है सामने वाले व्यक्ति का, तभी तो ढूंढेंगे। फिर वो उसकी स्पेलिंग चेक करता है कि कहीं उसके पते में, एड्रेस में कोई स्पेलिंग की गलती ना हो। 3 काम फिर करता है, फिर वो रात हो जाती है भाई, दिन ढल जाता है, रात हो जाती है।
दोबारा से वो रिबूट हो जाता है, बंद करके चालू हो जाता है, ठीक है। फिर तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन में क्या होता है, तीसरे दिन के अंदर दो चीज हैं जिसके बारे में और भी चीजें होंगी वो साथ में बताऊंगी, बट अभी यहां पर इतना याद रखना। तीसरे दिन सबसे पहले उस व्यक्ति के चेहरे की चमक गिर जाती है, भाई दो दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, वो व्यक्ति मिल के नहीं दे रहा, उसके चेहरे की चमक गिर जाती है। फिर सामने उसको जिसने उसकी मदद करी वो पर्सन चल के आता है तो वो देखकर बहुत खुश हो जाता है, उसके चेहरे की चमक बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है ब्राइटनेस। उसके बाद वो इतना खुश होता है कि उसके चेहरे की मुस्कुराहट फुल स्क्रीन हो जाती है। हमारे होंठ इतने छोटे होते हैं लेकिन जब हम खुश होते हैं हंसते हैं तो हमारा चेहरा इतना बड़ा खिलखिला लगता है, तो वो इतना खुश हो जाता है कि उसका चेहरा फुल स्क्रीन का लगता है। और बाद में जब ये पूरी की पूरी चीजें घटनाक्रम से घटित हो जाती हैं तो लास्ट में जाकर ये सारी कहानी वो अपने दिमाग में सेव एज कर लेता है, सहेज के रख लेता है। कहानी शुरू कहां से होती है, सबसे पहले क्या हुई थी, तो सबसे पहले मदद की गई थी, सबसे पहले मदद की गई तो हेल्प की मदद के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उसने नाम बदल लिया तो F2 रीनेम के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उसको ढूंढना शुरू कर दिया, F3 सर्च के लिए की जाती है। उसके बाद इसको लिखना कंट्रोल के साथ F4, ऑल्ट के साथ, सॉरी इसको लिखना यहां पर ऑल्ट के साथ F4, ठीक है, यहां पर लिखना इसको ऑल्ट के साथ F4। उसके बाद क्या होता है, तो उसके बाद वो अपना, भाई दिन ढल जाता है रात हो जाती है, वो अपने प्रोग्राम को बंद कर देता है, क्लोज प्रोग्राम जो काम कर रहा है उसे बंद कर देता है। अब दूसरा दिन होता है, दूसरे दिन में वो सुबह उठकर रिफ्रेश होता है, रिफ्रेश होने के बाद वो एड्रेस लेता है उस व्यक्ति की, एड्रेस बार लेने के बाद उसके अंदर स्पेलिंग को चेक करता है, स्पेलिंग चेक करने के बाद फिर दिन ढल जाता है रात हो जाती है, तो वो सारे कंडीशन को रिबूट कर देता है, क्या कर देता है, रिबूट कर देता है, बंद करके चालू हो जाता है। फिर तीसरे दिन उसके चेहरे की चमक नीचे गिर चुकी होती है, ब्राइटनेस बिल्कुल नीचे हो जाती है, डिक्रीज। फिर जब उसको वो व्यक्ति दिखता है तो उसकी ब्राइटनेस कैसी हो जाती है, इंक्रीज, बढ़ जाती है। उसके बाद वो इतना हंसता है कि उसकी हंसी फुल स्क्रीन की हो जाती है। और लास्ट में ये सारी की सारी चीजें वो अपने माइंड में स्टोर करके रख लेता है। तो ये तो इसके बेसिक फंक्शन हो गए, क्या हो गए, बेसिक फंक्शन हो गए, ठीक है। अब F9 में और F10 में मैं कुछ चीजें और इंक्लूड करवाऊंगी, तो उसको भी नोट करना। मैम आप कहानी बता रही थी, हाँ तो यही तो कहानी थी भाई, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ चीजें बताऊंगी, उसको भी नोट कर लेना इसी के अंदर, अभी तो बहुत सारी शॉर्टकट कीज चलेंगी, ऐसे फिक्र मत करो। इसी के अंदर देखो F9, अगर आप ऑल्ट के साथ F9 को दबाते हो तो जो कोडिंग होती है ना, ये जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं ये सिंटैक्स को चेक करता है। जब आप प्रोग्राम करते हो ना तो सिंटैक्स को चेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, या लिख सकते हो प्रोग्राम को रन करने के लिए, किसी कोडिंग वाले प्रोग्राम को रन करने के लिए F9 की को दबाना पड़ता है, F9 की को दबाया जाता है। क्लियर है, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। F10 का और क्या काम होता है, तो ये मेन्यू बार को भी, करंट के प्रोग्राम के मेन्यू बार को भी दिखाने का काम करता है। तो इसके दो एक्स्ट्रा वर्क और है, उसको भी लिख लेना, ठीक है, इसके दो एक्स्ट्रा वर्क और है, उनको भी यहां पर नोट कर लेना। आगे चलें, इतना लिख लिया, आगे करें और भी चीजों को देखें। फिर बिल्कुल मैं सुन रही हूं, सबकी बातें सुन रही हूं, पर अभी फिलहाल आप लोग मुझे सुनो, है ना। F8 रिबूट, देखो सारे इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं बोलूंगी कोई सा छोड़ो कोई सा करो, सब इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता एग्जामिनर क्या दे दे, सारे याद करना, कुछ भी छोड़ना नहीं है इनमें से। आगे चलते हैं भाई, लिख लिया ना सबने, तभी मैं यहां पर हटाऊंगी, पहले बताओ नोट कर लेना, अभी स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा हट गई हूं, एक बार पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, ठीक है। बिल्कुल शुरू से करवा रही हूं शॉर्टकट कीज। इसके बाद चलो पॉज करके स्क्रीनशॉट लेने के लिए इतना टाइम बहुत था, अब चलते हैं नेक्स्ट अपने कंट्रोल की शॉर्टकट कीज पर। अब चलते हैं हम यहां पर कंट्रोल की A to Z वाली शॉर्टकट कीज पर, करके बताना है सबको। बिल्कुल F11 फुल स्क्रीन के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं बात करती हूं कंट्रोल की A to Z शॉर्टकट कीज, अब इसको देखो मैं कैसे लिखवा रही हूं, फटाफट से इसको भी करना है आप लोगों को, जल्दी से इसको भी एक बार करके बताना है, ठीक है। यहां पर देखोगे तो कंट्रोल प्लस ए,
कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस डी, कंट्रोल प्लस ई, कंट्रोल प्लस एफ, कंट्रोल प्लस जी। जी तक दिख रहा है ना आप लोगों को? ओके, अब ऐसे ही आगे लिखो, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आई, कंट्रोल प्लस जे, कंट्रोल प्लस के, आई जे के एल, फिर ओ एल एम, उसके बाद एन, उसके बाद ओ। ठीक है, आगे चलते हैं। जिसको जिसके बारे में पता है बिल्कुल बताते जाना। इसके बाद पी क्यू आर एस टी यू वी डब्लू, ये सारे भी किसके साथ होंगी? कंट्रोल की ए टू जेड पढ़ रहे हैं अभी हम। फिर ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी पावर पॉइंट में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एमएस वर्ड में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, एमएस एक्सेल में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी देख लेंगे। एक्स वाई और जेड, ठीक है। चलो, कंट्रोल प्लस ए, इसका काम भी बताऊंगी इसलिए मैंने पूरी जगह छोड़ दी यहां पर। चलिए बताइए जल्दी से, HTML नहीं चल रहा, HTML आपका फ्राइडे में चलेगा, फ्राइडे में आपका स्पेशल सेशन रहा करेगा। ठीक है, कोई बात नहीं धर्मेंद्र जी, आप दिखा ली ना भाई, अगर सिस्टम का कीबोर्ड खराब हो गया तो वो सही भी हो जाएगा ना। कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, अरे वाह भाई, और सारे बच्चों का आना स्टार्ट हो चुका है आंसर। जेड अंडू के लिए आ गया, एक्स कट के लिए आ गया, बी बोल्ड के लिए आ गया, वेरी वेरी गुड। अब देखो यहां पर जल्दी से, कंट्रोल प्लस ए किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? सेलेक्ट ऑल, पेज पर या कहीं पर भी, पेज पर लिखी सारे डेटा को चयनित करने के लिए। आपने जो जो चीजें लिख रखी हैं उन सारे डेटा को चयनित करने के लिए कंट्रोल प्लस ए को प्रेस किया जाता है। कंट्रोल प्लस बी होता है बोल्ड के लिए, कैरेक्टर को बोल्ड करने के लिए, मतलब अगर कोई अक्षर आप डार्क डार्क लिखना चाहते हैं, जैसे मैंने यहां पर लिखा पी, अब मैं अगर इसको बोल्ड कर दूंगी तो ये ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा, पी मोटा मोटा लिखा हुआ आ जाएगा, ये होता है बोल्ड करने के लिए। आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस सी कॉपी करने के लिए, जो आप लोग करते हो डेटा लिखते हो और कॉपी मार देते हो, फिर पेस्ट 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 ही करते चले जाते हो, सी होता है कॉपी करने के लिए। कॉपी के अंदर क्या होता है? इसमें ओरिजिनल डेटा की, वास्तविक डेटा की, इसमें ओरिजिनल डेटा की डुप्लीकेट फाइल बनाई जाती है, इसमें ओरिजिनल डेटा की डुप्लीकेट फाइल बनाई जाती है। क्लियर, आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस डी ये फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को ओपन करता है, फॉन्ट के डायलॉग बॉक्स को खोलने के लिए। फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स क्या होता है? देखो, फॉन्ट का मतलब होता है लिखावट, फॉन्ट को क्या बोलते हैं? लिखावट। अब मैंने यहां पर जो भी अक्षर लिखे हैं वो सारे फॉन्ट ही तो हैं, मैंने यहां पर जो भी अक्षर लिखे हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे फॉन्ट हैं, लिखावट है। क्लियर, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यहां पर आपका फॉन्ट किस आकार का है, साइज का है, कौन सा काला नीला पीला हरा गुलाबी नारंगी कौन सा कलर चाहिए वो भी देख लो, कौन से फॉन्ट का स्टाइल चाहिए, तो ये पूरा एक बॉक्स खुलकर आता है। ठीक है, इसको फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। कंट्रोल प्लस ई का इस्तेमाल किया जाता है पैराग्राफ को सेंटर, बीचों बीच अलाइन करने के लिए। आप जो भी चीज लिख रहे हो, आपने सपोज यहां पर ऐसे ऐसे करके कुछ भी लिखा, जब आप कंट्रोल प्लस ई करते हो तो आपका डेटा बिल्कुल बीचों बीच लिखा हुआ आ जाता है, जैसे हिंदी में दोहे, इंग्लिश में पोयम। क्लियर, कंट्रोल प्लस एफ फाइंड करने के लिए, अगर आप कोई शब्द ढूंढ रहे हैं, किसी शब्द को ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा आपको आपकी फाइल के अंदर, तो कंट्रोल प्लस एफ करके लिख देना। कंट्रोल प्लस जी ओ टी ओ गो टू आपको स्पेसिफिक उसी शब्द तक ले जाकर छोड़ेगा, स्पेसिफिक स्पेसिफिक उसी शब्द तक, स्पेसिफिक उसी शब्द तक ले जाना, उसी शब्द तक ले जाना,
ये काम किसका होता है? तो ये काम होता है गोटू के लिए, क्लियर है? किसके लिए होता है? गोटू के लिए। आगे चलें। चलो अभी निमंत्रण दे देना बाद में ना, मन की बात में बुलाने के लिए, लेकिन अभी पहले कृपया करके पढ़ लो, ठीक है? चलो आगे चलें। हाँ, एच होता है, बिल्कुल से बता रहे हो आप लोग, ये चीज तो यहां तक तो हो गया आपका। आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस एच होता है रिप्लेस के लिए। अच्छा, रिप्लेस का काम क्या होता है? रिप्लेस का मतलब होता है एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए, एक शब्द को दूसरे शब्द से बदलने के लिए। आप सबने थ्री इडियट मूवी देखी है, और उस सीन में जब वो चतुर, क्या नाम था, जो भी नाम था, जब वो जाता है माइक पकड़ के क्या लेने के लिए, मतलब भाषण देने के लिए, तो बहुत हंसी आती है उस सीन पे अगर पहली बार देखते तो। हंसी कैसे आती है? डिजिटल हंसी, हा हा हा, नहीं, डिजिटल हंसी ऐसी तो आती है, यही ही ही। तो एच से हंसी होती है, और एच से हंसी आई थी जब रिप्लेस वाला काम हुआ था थ्री इडियट में। तो याद रखना है, कंट्रोल प्लस एच रिप्लेस के लिए इस्तेमाल की जाती है, एक शब्द से दूसरे शब्द को बदलने के लिए। कंट्रोल प्लस आई इटैलिक के लिए इस्तेमाल होती है, शब्दों को इटैलिक करने के लिए। अगर मैंने आई लिखा तो इसको थोड़ा सा तिरछा करके लिख देगा, है ना, तिरछा तिरछा कर देता है शब्दों को। कंट्रोल प्लस जे जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आप जो भी शब्द लिख रहे हो उसको जस्टिफाई करेगा, मतलब पेपर पे एक लाइन के नीचे अपने आप दूसरी लाइन वाला जो केस होता है, ये जस्टिफाई अलाइनमेंट के अंदर आता है। कंट्रोल प्लस के होता है हाइपरलिंक के लिए। जैसे हम बोलते हैं कि वीडियो को शेयर करो, तो आप जब इस वीडियो को शेयर करते हो, आप जब इस वीडियो को शेयर करते हो तो एक लिंक बन जाता है, और वही लिंक हाइपरलिंक कहलाता है, जो कि बाय डिफॉल्ट नीले रंग का होता है, ब्लू रंग का होता है, और जो भी उस लिंक पर क्लिक करेगा डायरेक्ट इस वीडियो तक आ जाता है। कंट्रोल प्लस एल होता है लेफ्ट अलाइनमेंट के लिए। जो भी शब्द आप लिख रहे हैं एक पेपर पर, डॉक्यूमेंट पर, अगर वो सारी चीज आप लेफ्ट साइड लिखना चाहते हैं, बाईं तरफ लिखना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस एम होता है एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए, एक नई स्लाइड को जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? कंट्रोल प्लस एम का इस्तेमाल किया जाता है। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल होता है एक नए प्रेजेंटेशन के लिए। कंट्रोल प्लस एन का इस्तेमाल होता है न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, ना, नई प्रेजेंटेशन। और अगर आप कोई नई पेज को जोड़ना चाह रहे हो, ना, अगर आप कोई नए पेज को जोड़ना चाह रहे हो या नई प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस ओ का इस्तेमाल किया जाता है ओपन करने के लिए। अगर आप किसी फाइल को, बनी हुई फाइल को खोलना चाहते हो, जाहिर सी बात है हम कौन सी फाइल को खोल पाएंगे, बनी हुई फाइल को। मैम मेरे लैपटॉप का फैन खराब हो गया है, दिखा लेना एक बार भाई, अब मैं कैसे बताऊं, हाँ चलो दिखा ली ना, हो जाएगा ठीक, कई बार हो जाता है ना, अभी नहीं हुई है रुडा राम जी, और ये एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भी नहीं, है ना, कि प्रीति मैम की बताओ एग्जाम्पल में जो कंप्यूटर पढ़ाती हैं या रीजनिंग, उनकी शादी हुई है नहीं, है ना, ऑप्शन ए हुई है, बी नहीं हुई है, पता नहीं, या फिर पता नहीं होगी या नहीं, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो कृपया करके पढ़ाई पर ध्यान दें और मुझे भी पढ़ाने दें, क्लियर। चलो तो ये सब समझ में आ गया, हटाऊं? देखो क्वेश्चन होता है ना कि जो ओपन फाइल होती है वो कहाँ मिलती है। ओपन फाइल पहले से सेव हुई फाइल को ही कर सकते हो। जो फाइल आपने सेव कर रखी है, जो फाइल आपने पहले संग्रहित कर रखी है अपने हार्ड डिस्क के अंदर या मेमोरी के अंदर, उसी फाइल को आप ओपन कर सकते हो ना, जो फाइल बनकर कंप्लीट है उसी को खोल सकते हैं, क्लियर। चलो आगे चलते हैं। कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने के लिए। अगर आप किसी फाइल का प्रिंट निकालना चाहते हैं, अगर आप किसी फाइल की हार्ड कॉपी निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस पी का इस्तेमाल किया जाता है, क्लियर। आगे चलें। कंट्रोल प्लस क्यू, इसको छोड़ देना, इसका सच जनरली यूज नहीं होता। कंट्रोल प्लस आर में लिखना, ये राइट अलाइनमेंट के लिए इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस आर का इस्तेमाल होता है राइट अलाइनमेंट के लिए। अगर आप किसी पेज पे सारे डेटा को राइट साइड, मतलब दाईं तरफ लिखना चाहते हैं, तो राइट अलाइनमेंट का इस्तेमाल होता है। कंट्रोल प्लस एस डेटा को सेव करने के लिए, डेटा को संग्रहित करके रखने के लिए। अच्छा, सेव में और सेव एज में क्या डिफरेंस होता है, अभी उसको भी देखेंगे, ठीक है।
क्लास डेली होती है, डेली 1 बजे होती है दोपहर में, और एमपी वाली जो क्लास होती है जिसमें आज मैं क्या करवाने वाली हूँ, आज मैं इंटरनेट के अंदर ही बहुत क्वेश्चंस करवाऊंगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इंटरनेट के ऊपर, वो आपकी शाम को 5 बजे एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर में होती है। कहाँ होती है? शाम को 5 बजे होती है वो, शाम को 5 बजे। कौन से चैनल पर होती है? तो अभी एक चैनल बना है हमारा एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर। अच्छा, आप में से एक बच्चे ने कल मुझसे पूछा था कि मैम पॉलीटेक्निक के लिए कहाँ से पढ़ी, तो एग्जामपुर का एक यूट्यूब चैनल है पॉलीटेक्निक बाय एग्जामपुर, अभी अभी लॉन्च किया गया है, आप वहां से पढ़ो, बिल्कुल फ्री में आपको पढ़ाया जा रहा है। भाई यूट्यूब से तो फ्री में पढ़ते हैं, अब ये मत बोलना मैम डेटा लगता है, है ना, डेटा तो लगेगा इंटरनेट चलाएंगे तो। चलो अब कंट्रोल प्लस टी इसको छोड़ देना, टेबल फॉर्मेट में काम होता है, जनरली कोई काम नहीं है। कंट्रोल प्लस यू का इस्तेमाल किया जाता है अंडरलाइन करने के लिए। अगर आपने कोई शब्द लिखा और उसके नीचे अगर आप रेखा खींचना चाहते हैं, अंडरलाइन करना चाहते हैं, तो कंट्रोल प्लस यू होगा। कंट्रोल प्लस वी डेटा को पेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप कोई डेटा पेस्ट करना चाहते हैं, चिपकाना चाहते हैं, कहीं से कॉपी या कट किया और पेस्ट कर दो। कंट्रोल प्लस डब्ल्यू क्लोज द प्रोग्राम, किसी प्रोग्राम को बंद करने के लिए, या किसी को क्या, करंट में जो विंडो चल रही है, यहां पे लिख लेना, करंट में जो विंडो आपकी ओपन है, विंडो का मतलब पता है ना, जो स्क्रीन ओपन होती है, करंट में जो विंडो होती है उसको बंद करने के लिए, क्लोज करने के लिए कंट्रोल के साथ डब्ल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? मैम HTML कब करवाओगे? अरे हाँ, आज हम HTML करवाने जा रहे थे। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ऐसे सरप्राइज मिलते रहने चाहिए, इसमें भी कुछ चीज आप सीखोगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर माही जी, आप यहां से पढ़ लो या वहां से पढ़ लो, अच्छे से बस पढ़ाई करो, ठीक है? ओके नेहा जी, सोनम आप हरियाणा, भाई राजवीर मेहरा जी, सोनम जी से बाद में पूछ लेना कि हरियाणा से या पंजाब से, ठीक है? पर अभी पहले पढ़ लो, मैंने पहले ही बोला था अगर फालतू फालतू कमेंट करोगे या कुछ ऐसे कमेंट करोगे तो मैं फिर एक्सपोज कर दूंगी, क्योंकि आज मैं बिल्कुल पूरा का पूरा पढ़ाने पे फोकस कर रही हूं और आपको भी यहीं पर करना है, बाकी सारी बातें बाद में कर लेना। चलो, क्योंकि ना तो हरियाणा कहीं जाएगा ना पंजाब। कंट्रोल प्लस एक्स का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? डेटा को कट करने के लिए किया जाता है। कट का मतलब क्या होता है? कोई डुप्लीकेट डेटा नहीं होगा, डेटा हमेशा ओरिजिनल होता है, यहां पर डेटा की डुप्लीकेसी नहीं होती, यहां पर डेटा का डुप्लीकेसी नहीं होती, यहां पर डेटा एक ही रहता है, ओरिजिनल रहता है, ठीक है? कंट्रोल प्लस वाई रिडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्रोल प्लस जेड अंडू के लिए और कंट्रोल प्लस वाई रिडू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर? अंडू मतलब जो डेटा लिखा है उसको छुपा लो, रिडू मतलब उस डेटा को बार बार दिखाते रहो, बार बार उसी डेटा को रिपीट करते रहो। क्लियर है? आगे चले, चलो अब देखो यहां पर ये चीज हो गई, अब और भी चीजें उसके बारे में बात कर लेते हैं। अब मैं थोड़ी सी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज आपको एमएस वर्ड के बारे में बता रही हूं। अब मैं कुछ शॉर्टकट कीज, अब देखो ये खराब करेगा, रुको इसको पूरा ही खत्म करके दोबारा से करते हैं। अब मैं आपको कुछ शॉर्टकट कीज एमएस वर्ड से बताने जा रही हूं। एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसी एप्लीकेशन है जहां पर आप दस्तावेज बनाते हैं, जहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं, जहां पर हम लोग डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। क्लियर? चलो करें शुरू, तैयार हो आप सभी लोग? टीना नेहरा जी, आप इसी क्लास के नीचे डाउट लिख देना, चाहे रीजनिंग का हो चाहे कंप्यूटर का हो। आज मैं आपको, मैं ठीक है, मैं ही करूंगी, आज मैं आपको पर्सनली उसका आंसर इस कमेंट के नीचे ही भेज दूंगी, ठीक है? चलो बताओ जल्दी से, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड जो आपकी शॉर्टकट कीज होती है कौन कौन सी होती हैं, जरा बताएं। मैं कुछ शॉर्टकट कीज लिख रही हूं ना, बताना उसके बारे में। यहां पर लिखो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, यहां पर लिखो कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट, यहां पर लिखो कंट्रोल प्लस बराबर, यहां पर लिखो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बराबर। वैसे बराबर नहीं, फिर तो ये प्लस ही बन जाएगा ना, शिफ्ट के साथ आएगा तो। ओके, इसे करके बताना एक बार, इनके बारे में एक बार बताइए जरा। ये कुछ शॉर्टकट कीज हैं जो डायरेक्टली पूछी जाती है।
एक एक करके सबके बारे में बताना है फटाफट से, क्या होगा एचटीएमएल की क्लास कब होगी? आदित्य चौहान जी, एचटीएमएल आपकी मैं क्लास लेने वाली हूँ, एचटीएमएल की कब लूंगी? फ्राइडे में लेती हूँ, फ्राइडे में स्पेशल सेशन हुआ करेगा, ठीक है। चलो बताइए जल्दी से यहाँ पे, अब अगर कोई बात करेगा तो वो टाइम आउट हो जाएगा, बस मैं लास्ट बार बता रही हूँ। कंट्रोल प्लस जेड अंडू, बिल्कुल ठीक है भरत बन्ना जी। अनु जी, रिडू का मतलब होता है जो काम कर दिया वो दोबारा से वापस लाना, है ना। प्रैक्टिकली बताऊं, चलो प्रैक्टिकल लगाती हूँ। इंक्रीज डिक्रीज सब सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट, क्या बात है पंकज यादव जी, वेरी गुड। और मोहम्मद सैफ जी, आपका भी आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। संदीप कुमार जी, बिल्कुल यहां पर आंसर कुछ कुछ स्टूडेंट्स के आने शुरू हो चुके हैं। चलो एक बार देख लेते हैं, कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। अच्छा कैसे इसको याद रखोगे? एक तो हो गया रटना जो भूल जाते हैं, याद कैसे रखें? क्लोज ब्रैकेट, किसी को बंद करोगे वो उतना ज्यादा बाहर जाएगा, होता है ना, जब हम किसी को दबाते हैं वो उतना ज्यादा ऊपर उछलता है, होती है ऐसी चीजें। तो बिल्कुल, अगर क्लोज ब्रैकेट है तो जो फॉन्ट होगा, जो आप शब्द लिख रहे हो उसका साइज, फॉन्ट का जो साइज होगा, आकार होगा, वो इंक्रीज होगा या बढ़ जाएगा। फॉन्ट का साइज आकार इंक्रीज होगा या बढ़ जाएगा। अगर आपने कोई शब्द ऐसे फॉन्ट में लिखा है, सपोज 8 में, वो बढ़ाकर आप कितना भी कर सकते हो, मतलब 16 कर दो, 18 कर दो, 20, 22, 24, जो भी मन करे उतना बढ़ा दो। मतलब अगर फॉन्ट का साइज बढ़ाना है तो कंट्रोल के साथ क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप फॉन्ट का साइज, अब किसी को खुला छोड़ दो कि जा जी ले अपनी जिंदगी, नहीं, अगर किसी को खुला छोड़ दिया जाए तो वो उतना ही कंट्रोल में रहता है। तो यहां पर अगर मैं क्लोज ओपन ब्रैकेट की बात करती हूं तो कंट्रोल के साथ ओपन ब्रैकेट का इस्तेमाल किया जाता है फॉन्ट का साइज डिक्रीज करने के लिए, या यू कहो फॉन्ट का साइज कम करने के लिए। तो यहां पर बड़ी एबीसीडी से वो छोटा साइज को क्या कर देगा, छोटा बना देगा, साइज को क्या कर देगा, छोटा कर देगा, ठीक है। कंट्रोल के साथ बराबर, ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है, कंट्रोल के साथ बराबर, ये सब स्क्रिप्ट के लिए होता है। अच्छा सब स्क्रिप्ट क्या होती है, आपने देखा होगा कुछ शब्दों के नीचे शब्द लिखे होते हैं, O2 ऑक्सीजन है, अच्छा जी, SO कुछ भी लिख लो यहां पे, NaCl2। तो यहां पर जो ये नीचे आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सब स्क्रिप्ट कहलाती हैं। तो सब स्क्रिप्ट के लिए नॉर्मल से रहने वाला है, कंट्रोल के साथ इक्वल टू या बराबर का साइन, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, क्योंकि देखो ये जो प्लस वाला साइन होता है, बराबर का साइन, ये दोनों एक ही की पर होता है। कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होती है उसके एक ही बटन में ये दोनों साइन उपलब्ध होते हैं दोनों साइन उपलब्ध। तो बिल्कुल ये दोनों साइन आपके उस की में उपलब्ध होते हैं। जब आप इसको पहली बार दबाओगे तो इक्वल टू आएगा, जब आप इसी साइन को शिफ्ट के साथ दबाते हो तो ये प्लस का साइन दिखाता है, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसके लिए? तो ये सुपर स्क्रिप्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सुपरमैन कहाँ उड़ता है? हवा में। तो किसी शब्द के ऊपर अगर कोई शब्द लिखा हुआ है तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो वो सुपर स्क्रिप्ट कहलाता है। ये दोनों चीजें होती हैं, क्लियर। बिल्कुल रविंद्र भरतपुर जी, जो रीजनिंग की क्लास चलती है वो आपकी सुबह ठीक 8 बजे चलती है, जो कि अभी दोबारा से स्टार्ट करी है मैंने, ठीक है। बिल्कुल जय हिंद भाई सभी को। अवनी रॉय जी, नहीं सारी चीजें पढ़नी है और देखनी है, यहाँ पर एमएस एक्सेल बेसिक से करवाइए, कोई बैच है आपका, बिल्कुल एनसीईआरटी में मैंने बहुत ही बेसिक से करवाया है। इसमें आरआरबी और पीओ में कंप्यूटर का कौन कौन से टॉपिक आते हैं मैम? मनीष सिंह जी, कल मैं इसके ऊपर एक सेशन लाती हूँ, ठीक है, कल मैं खुद से पीपीटी डिजाइन करके लाऊंगी, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक मजबूत करने, पिछले 5 या 10 साल का देख के, अगर आप एसएससी पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक मजबूत करने हैं, अगर आप राजस्थान के पढ़ रहे हो तो ये टॉपिक मजबूत करने हैं। मैं कल बताती हूँ इसके बारे में, ठीक है। एक बार ऑफलाइन कमेंट करके याद दिला देना मुझे, क्योंकि लास्ट में मैं ऑफलाइन कमेंट देखती हूँ सारे। चलो आगे देखिए, यहां पर अगर मैं बात करती हूँ किसके बारे में, फटाफट से बताओ भाई, आंसर करो जल्दी से। ये तो हो गया आपका, ये सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एमएस वर्ड में अगर आपको डेट लिखनी होती है, अगर आप दिनांक लिखना चाहते हो, आज की करंट डेट कितनी है, वर्तमान की तारीख कितनी, आज कितनी है 9 जून है, कल 8 जून थी, कल महासागर दिवस था, है ना।
अगर आपको करंट डेट लिखनी है, अभी हम एमएस वर्ड की बात कर रहे हैं, तो करंट डेट को लिखने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप वर्तमान का टाइम लिखना चाहते हैं तो वर्तमान के टाइम की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप पेज को ब्रेक करना चाहते हैं, पेज को तोड़ के दूसरे पेज में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहते हो तो एक लाइन को तोड़कर दूसरे लाइन में जाने की शॉर्टकट की क्या होती है? बताइए जरा इन सबके बारे में, बताना है फटाफट से, जल्दी से आंसर करके बताना है सभी को। बिल्कुल भरत मेहता जी, बिल्कुल आपका राजस्थान पटवार में भी काम आएगा, मैं बोल रही हूं ना, कल मैं पीपीटी लाऊंगी बनाकर। टुडे वगैरह एक बार ध्यान से करके बताना भाई, ऐसा तो नहीं है टुडे आप लोग बता रहे हो, एक बार ध्यान से करके बताना भाई, टुडे के बारे में बता तो रहे हो आप लोग, पर टुडे एक्सेल का नहीं पूछा, यहां पर बात कर रहे हैं हम एमएस वर्ड की, ऊपर लिखा हुआ है एमएस वर्ड, बताइए एक बार। बताने जल्दी से आंसर क्या होगा यहां पर, देखो डेट के लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट डी से क्या होता है, डेट होता है, और डी यहां पर लगा देना तो करंट की डेट आ जाएगी। टाइम के लिए क्या होता है, ऑल्ट प्लस शिफ्ट टी से टाइम होता है, और टी यहां पर शॉर्टकट की के यूज में अल्फाबेट का इस्तेमाल करेंगे, टी लगाओगे तो टाइम आ जाएगा। टाइम में आपको पीएम हो रहा है, एएम हो रहा है, वो सारी चीजें बताएगा, जैसे अभी 1:34 पीएम हो रहे हैं, अगर आप टाइम लिखोगे तो यहां पर आ जाएगा 1:34 PM, भाई दोपहर के बज रहे हैं, ठीक है रात के नहीं बज रहे। अगर आप डेट लिखोगे तो डेट का क्या इसके अंदर सिंटेक्स होता है या तरीका होता है, सबसे पहले मंथ आएगा 6, उसके बाद डेट आएगी, कितनी डेट है 9, उसके बाद ईयर आएगा, क्या चल रहा है 2021। तो डेट हमेशा याद रखना, सिस्टम में डेट इस प्रकार से होती है। पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एंटर। पेज को ब्रेक करने की शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल के साथ एंटर दबाओ, एक पेज से दूसरे पेज में अपने आप पहुंच जाओगे। लाइन ब्रेक की क्या होती है, शिफ्ट के साथ एंटर। लाइन ब्रेक की शॉर्टकट की क्या होती है, शिफ्ट के साथ एंटर। क्लियर है, आगे चले, क्लियर है सारी चीजें। पेज लेआउट क्या होता है मैम, ओके लेआउट के बारे में बात करती हूं मैं, पहले बताओ इतना क्लियर है या नहीं। अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं केवल शॉर्टकट कीज के बारे में ना, चलो क्लियर है सारी चीजें। चलो पेज लेआउट के बारे में अगर आप पूछ रहे हो बता देना कहां पर करना है, मैं उसको ओपन कर दूंगी ताकि आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। और आज का लेक्चर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि शॉर्टकट कीज रैंडमली कहीं से पूछ लेता है, और मैं बिल्कुल मेन इंपॉर्टेंट ही बता रही हूं। देखो पेज लेआउट एमएस वर्ड में किसको कहते हैं, पेज लेआउट एमएस वर्ड में किसको कहा जाता है, पेज लेआउट का मतलब पेज किस तरीके से होना चाहिए, इसके अंदर आता है पेज का मार्जिन। पेज लेआउट के अंदर आता है पेज का मार्जिन। मार्जिन का मतलब क्या होता है, इतनी जगह छोड़कर काम करना है, पेज में कितनी जगह छोड़कर आप काम कर सकते हो, ये पेज मार्जिन होता है, हालांकि ये वर्ड का है, चलो कोई बात नहीं देख लो। इसी के अंदर आता है पेज ओरिएंटेशन, इसी के अंदर आता है पेज ओरिएंटेशन। पेज कितने प्रकार से होते हैं, एक होता है पोर्ट्रेट मोड, चौड़ाई कम लंबाई ज्यादा, एक होता है लैंडस्केप मोड, चौड़ाई ज्यादा लंबाई कम, ये दो होते हैं, ठीक है। इसी के अंदर क्या आता है, तो इसी के अंदर आता है आपका साइज, पेज का साइज आप कितना रखना चाहते हो, भाई ए फोर शीट वाला साइज रखना चाहते हो, कौन सा साइज आप रखना चाहते हो पेज का, वो इसके अंदर डिपेंड करता है। और इसी के साथ आता है पेज के अंदर कॉलम। कॉलम का मतलब होता है आप अपने पेज में ऐसे लिखना चाहते हो या अखबार की तरह दो लाइन इधर और एक लाइन इधर, या अपने पेज को तीन चीजों में बांटना चाहते हो, एक हिस्सा यहां पर लिखा जाए, एक यहां पर, एक यहां पर, तो ये सारी चीजें भी पेज लेआउट के अंदर ही आती है, किसमें, कॉलम के अंदर। क्लियर, बहुत सारी चीजें, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेक्शन, ये सारी चीजें आपकी किसके अंदर आती हैं, अगर मैं बात करती हूँ पेज लेआउट के अंदर। क्लियर, आगे चले, आगे चले, चलो
नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, बेसिक वाली क्लास कब से शुरू है? सुबह 8 बजे शुरू है भाई, रीजनिंग के लिए लिख ही देती हूँ मैं यहाँ पर। देखो जो रीजनिंग की क्लास चल रही है ना आपकी, वो मॉर्निंग में चलती है, सुबह 8 बजे चलती है। आई थिंक आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स लेते भी होंगे ना, सुबह 8 बजे चलती है। आज मैंने रिपीटेड सीरीज शुरू करवाई है, जिसको देखनी है बिल्कुल जाकर देख लेना, क्लियर? चलो आगे चलें। और इस सैटरडे कुछ खास है, वो मैं सैटरडे में फ्राइडे में बताऊंगी, कल बताती हूँ। आगे देखेंगे यहाँ पर और शॉर्टकट कीज क्या हो जाएंगी। अब मैं थोड़ी बात कर लेती हूँ एमएस एक्सेल की। अब मैं कुछ शॉर्टकट कीज की बात करती हूँ एमएस एक्सेल की, बताना इसके बारे में जरूर। एमएस एक्सेल में अगर हम बात करते हैं तो बताओ मुझे टैब का क्या इस्तेमाल होता है? एमएस एक्सेल में बताना है आपको यहाँ पर टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बताइए। एमएस एक्सेल में टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बताना है फटाफट से। बताओ टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, बताइए। और इसी के साथ बताना है कि शिफ्ट के साथ टैब का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। एंटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है, शिफ्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। F2 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है और F11 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। और चलो और देखते हैं और क्या क्या चीजें आएंगी। चलो बताओ पहले इतनी चीजें बताओ फटाफट से, क्या हो जाएगा यहां पर एक सेल से दूसरे सेल में जाने के लिए? अरे किधर की साइड, लेफ्ट, ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, किधर की साइड जाने के लिए होगा ये बताओ। एक सेल से दूसरे सेल में तो जाने के लिए होगा, ये बहुत चतुराई वाला आंसर दे रहे हो आप। ये बताओ मुझे 8 बजे, अच्छा सर की होती, कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ एग्जामपुर के मेन चैनल पर रीजनिंग की मेरी वाली होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, चलो तो यहां पर आंसर बताना है जल्दी से क्या होगा। पता नहीं है कितने दिन हुई ये क्लास मैम शुरू हुए, काफी दिन हो गया भाई सुमित जी। चलो बताइए जल्दी से यहां पर, तो टैब का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है एक सेल के राइट साइड जाने के लिए? देखो ये बना रखा है मैंने एरो, एक सेल राइट जाने के लिए, एक सेल राइट की तरफ जाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं टैब का। शिफ्ट प्लस टैब का इस्तेमाल किया जाता है एक सेल लेफ्ट साइड, मतलब बाई तरफ जाने के लिए। यहां तो दाई तरफ जाने के लिए मन कर रहा है तो ये वाला प्रेस कर दो, लेकिन अगर लेफ्ट साइड जाना है, एक सेल लेफ्ट साइड अगर आप जाना चाहते हैं, मतलब बाई तरफ अगर आप जाना चाहते हैं, तो शिफ्ट के साथ टैब का एंटर। एंटर का इस्तेमाल किया जाता है एक सेल नीचे जाने के लिए, एंटर का इस्तेमाल किया जाता है एक सेल नीचे जाने के लिए, मतलब डाउनवर्ड, एक सेल नीचे जाने के लिए किसका इस्तेमाल होगा? एंटर का। शिफ्ट के साथ एंटर का इस्तेमाल होता है एक सेल ऊपर जाने के लिए, किसके लिए? एक सेल ऊपर जाने के लिए, एक सेल अपवर्ड, एक सेल ऊपर जाने के लिए, या लिख सकते हैं हम यहां पर अपवर्ड के लिए इस्तेमाल करेंगे शिफ्ट एंटर। F2 का इस्तेमाल किया जाता है एडिट करने के लिए। अगर किसी सेल के अंदर आप कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं, तो F2 का इस्तेमाल होगा, है ना, क्योंकि एंटर से तो नीचे हो जाती है। अगर आप किसी सेल के अंदर, ये सेल होती है जहां रो और कॉलम एक दूसरे को काटती है, यहां पर कुछ लिखा हुआ है अगड़म बगड़म, मैं यहां पर कर्सर लेकर आती हूं, तो जैसे ही मैं F2 करूंगी मैं सेल के अंदर पहुंच जाऊंगी, फिर मुझे जो भी लिखना है मैं आराम से लिख सकती हूँ, है ना। तो एडिट करने के लिए F2 का इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं, F11 का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो सेल की रेंज से चार्ट बनाने के लिए, सेल की रेंज से चार्ट बनाने के लिए। अगर मैं यहां पर दिखाऊं तो यहां पर ये सेल की रेंज होगी कहीं, इसको सेलेक्ट करके अगर मैं इस डेटा का कोई पाई चार्ट बनाना चाहती हूं तो वो F11 से इजीली बन जाएगा, क्लियर। आगे चलें, ये सारी चीजें मैं कल लेकर आऊंगी दीक्षा शर्मा जी, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। जितने भी एग्जाम में कंप्यूटर आता है, चाहे वो ट्रिपल सी हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो राजस्थान बंटवार हो, चाहे वो ट्रिपल एसएससी हो, चाहे वो बैंक का हो, बैंक में भी पीओ,
तो ये सारी चीजें की मैं कल स्लाइड लेकर आऊंगी और कल 1 बजे मैं आपको यही बताने वाली हूँ, ठीक है? बिल्कुल, चार्ट को क्रिएट करने के लिए होता है, वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है आंसर यहाँ पर। राजकुमार काम्या जी, पंकज यादव, जगत सिंह, राजेश कुमार, एडिट के लिए बन होता है, यदुवंशी छोरा, ओके, और संतोष, वहां तक जाऊंगी तब तक, अश्वनी जी, ओके, चलो आगे चले, हो गया ये भी, हो गया। अच्छा मुझे एक बात बताना, एमएस एक्सेल में अगर आपको डेट डालिए तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बताएगा कोई? एमएस एक्सेल में अगर डेट डालनी है तो उसकी शॉर्टकट क्या होती है? एमएस एक्सेल में अगर टाइम लिखना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होती है, बताना जरा मुझे, बताइए फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। यहां पर हरियाणा पुलिस के लिए भी मैं सबके लिए बताऊंगी, बस कल कल का टाइम और दो भाई, कल के लिए थोड़ा सा वेट करना, है ना, कल मैं आपका ये पूरा लिस्ट ही बनाकर लाऊंगी, फिक्र मत करो उसके लिए। चलिए बताइए जल्दी से आंसर क्या हो। आंसर क्या होगा यहां पर बताओ। देखो अगर टाइम डालना है तो कंट्रोल शिफ्ट और सेमी कॉलन, अगर टाइम डालना है तो कंट्रोल के साथ, टाइम के लिए कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, और अगर डेट डालनी है तो कंट्रोल के साथ कॉलन, ये क्या होती है, इसका तरीका होता है। और दूसरी चीज अगर मैं बताऊं, दूसरी चीज देखो, डेट के लिए क्या होगा, टुडे होगा, डेट के लिए टुडे होगा, ये जो बता रहे थे वहां पे स्टूडेंट्स, और डेट और टाइम दोनों बताता है नाउ। नाउ का मतलब क्या होता है, ये आपको वर्तमान में क्या तारीख है वो भी बताएगा और कितना टाइम हो रहा है वो भी बताएगा, तो दोनों चीजों के बारे में बताता है नाउ। और अगर मैं बात करती हूँ केवल डेट की तो वो टुडे के लिए इस्तेमाल होता है। क्लियर, इसको करके देखना अगर प्रैक्टिकली कर सकते हो तो। आगे चले, मैं दोनों हाथ से टी पीती हूँ, कहाँ कहाँ देखते हो आप, हाँ पढ़ लो पढ़ लो, फिर मैं अभी कुछ बोलूंगी फिर परेशान हो जाओगे, इसलिए मैं शांति से पढ़ाती हूँ, शांति से पढ़ा करो। चलिए क्लियर है, कंट्रोल के साथ याद रखना, ये दोनों चीजें, दो तीन चीजें ऐसी होती हैं जो इंपॉर्टेंट हो जाती हैं और जिसमें से क्वेश्चन बन जाता है। इसके बाद मैं थोड़ी सी शॉर्टकट कीज आपको एमएस पावर पॉइंट की भी बता देती हूँ, वैसे ज्यादा तो है नहीं इसके लिए, एमएस पावर पॉइंट की शॉर्टकट कीज यहां पर देखना। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, चलो लिखो यहां पर, यहां पर लिखते हैं हम कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ डी, कंट्रोल के साथ एन, कंट्रोल के साथ एम, और पावर पॉइंट के अंदर स्पेशल और क्या होगा, ट्रांजिशन लग जाएगा, एनिमेशन तो लग ही जाएगा, बाकी हेडर फुटर वहां से उठा लेंगे ऑप्शन। चलो इसके बारे में बताना जरा, पावर पॉइंट में F5 होता है, अरे कंट्रोल के साथ F5 होता है, बाकी अभी देखेंगे जैसे जैसे और चीजें आती रहेंगी माइंड में, वैसे वैसे मैं इसको और कर करके बताती रहूंगी। अभी फिलहाल के लिए इतना बताओ यहां पर किसके लिए इस्तेमाल होता है, चलिए बताओ फटाफट से। कंट्रोल एम नई स्लाइड के लिए होता है, ओके, न्यू स्लाइड के लिए होगा, ओके ओके, चलो देखते हैं नई स्लाइड के लिए है या नहीं है। कौन बोल रहा है, बुद्धा राम जी, आप अपनी समस्या को अपनी मम्मी पापा से बताएं, वो जरूर उसका हल मात्र 2 सेकंड में देंगे, 2 सेकंड, 2 सेकंड से भी कम का समय लग सकता है ना। चलो बताइए जल्दी से यहां पे क्या होगा आंसर, बिल्कुल ब्लश गेमर जी फटाफट से आंसर बताओ इन सब के बारे में, है ना। कंट्रोल प्लस डी एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, डुप्लीकेट, डुप्लीकेट स्लाइड को बनाने के लिए। अब आपने एक स्लाइड बनाई, यहां पर मैंने एग्जामपुर का लोगो लगाया, यहां पर मैंने लिखा कंप्यूटर बाय प्रीति मैम और डेली क्लास होती है 1 बजे,
अब मैं यही सेम स्लाइड लिखना चाहती हूँ, मैं हर स्लाइड पर थोड़ी ना अलग अलग लिखूंगी। भाई कंप्यूटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं? ताकि आपका टाइम बच सके। टाइम को बचाने के लिए हम शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल करते हैं। तो वही स्लाइड बार 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 रिपीट हो तो मैं वहां पर इस स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस डी करूंगी तो दोबारा वही स्लाइड आएगी जिसपे कंप्यूटर बाय प्रीति मैम 1 PM और एग्जामपुर का लोगो लगकर आएगा। दोबारा मैं कंट्रोल प्लस डी करूंगी, दोबारा से वो डुप्लीकेट स्लाइड आएगी जिसमें ये सारी चीजें लिखी हुई आएंगी। तो डुप्लीकेट स्लाइड के लिए होता है कंट्रोल प्लस डी। आगे चलते हैं, कंट्रोल प्लस एन अगर आप एक नई प्रेजेंटेशन ओपन करना चाहते हो। एक पीपीटी तो खुली हुई है, आप दूसरी पीपीटी भी साथ में खोलना चाहते हो, कंट्रोल प्लस एन होती है। कंट्रोल प्लस एम अगर आप नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हो, एक स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड को जोड़ने के लिए कंट्रोल प्लस एन होती है, एम होती है, सॉरी एम फॉर मैंगो। F5 होता है जब आप क्या करना चाहते हो, स्लाइड शो करना चाहते हो, एक के बाद एक स्लाइड अपने आप आती रहे उसके लिए F5 होता है। कंट्रोल के साथ F5 होता है वर्तमान में अगर आपकी कहीं स्लाइड रुक गई तो वर्तमान वाली स्लाइड से अगर स्लाइड शो शुरू करना है, वर्तमान वाली स्लाइड से स्लाइड शो को शुरू करने के लिए कंट्रोल के साथ F5 होता है। क्लियर, क्लियर है? अच्छा टीना नेहरा जी मोटिवेशन वाली चैनल पर लगी है, चलो देखते हैं हम भी कौन सी लगी है, हमें भी नहीं पता तो चलता, आधी चीज तो हमें भी आपसे पता चलती है। चलो क्लियर है? तो फिर आज की क्लास को इतना ही रखें हम लोग। कुछ मैं आपको होमवर्क ले देने वाली हूं, मतलब कुछ चीजें आपको जो सर्च करनी है, पता करना है उसके बारे में, कुछ मैं आप लोगों को देने वाली हूं, मतलब होमवर्क के लिए उसको बताना है, ये चीज क्लियर है? चलो अब मैं यहाँ पे होमवर्क के लिए आपको कुछ शॉर्टकट कीज दूंगी जिसका आंसर आप सभी को ऑफलाइन कमेंट करके देना है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट का टाइम निकालकर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है? कुछ शॉर्टकट कीज लेना, कंट्रोल एंटर और एस्केप, इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? कंट्रोल एंटर और एस्केप इसका इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है बताना है। विंडो की शिफ्ट और 5 या एस लिख लो, विंडो की होती है, ऐसी की होती है ना, एक ऐसी की होती है प्यारी सी, विंडो की बोलते हैं इसको। विंडो की के साथ अगर शिफ्ट है और शिफ्ट के साथ अगर एस दबा दिया तो क्या काम होगा? ये 2 शॉर्टकट कीज है जिसके बारे में आपको ऑफलाइन कमेंट करके बताना है। बाकी जो बच जाएंगी ऑल्ट की है, अभी शिफ्ट की भी मेन है, वो शॉर्टकट की इसका सेकंड पार्ट मैं कल लेकर आऊंगी, पूरी इन्फॉर्मेटिव क्लास होगी शुरू से लेकर एंड तक। कल ठीक 1 बजे आ जाना है और कल शुरू में मैं स्लाइड शो भी लेकर आऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी हरियाणा के लिए कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं, राजस्थान पटवार के लिए, बैंकिंग के लिए और SSC के लिए, सबके बारे में कल मैं परफॉर्मा भी बनाकर लाऊंगी, ठीक है? चलिए तो फिर इसी के साथ करते हैं क्लास को यहाँ पर एंड। आशा है कि आपको जितनी भी चीजें मैंने समझाई होंगी वो बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। भाई क्लास अच्छी लगा करे तो बिल्कुल एक बार क्लास को लाइक कर दिया करो, ठीक है? हमें मोटिवेशन मिलता है, चलो इतने बच्चों को पसंद आ रही है फिर और कुछ नया करने का मन करता है। और बिल्कुल अब आप सभी लोग इस क्लास को अपने सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर कर देना ताकि और भी स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं कल अपने टाइम पर ठीक 1 बजे और मध्य प्रदेश पर शाम 5 बजे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने